हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो यानी कि हैशटैग टेक अतुल का पांचवा वीडियो है। और हैशटैग टेक अतुल के सीरीज़ में हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग बातें करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो यानी कि हैशटैग टेक अतुल के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टोर से हम लोग जो भी सामान यानी कि इलेक्ट्रिकल का जो भी इक्विपमेंट इशू करते हैं उस इक्विपमेंट में हमें जो है एक मैनुअल गाइड देखने को मिलता है। तो क्या वो मैनुअल गाइड हमें पढ़ना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपके वर्किंग का एक्सपीरियंस किस तरह से इम्प्रूव करता है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। और सबसे पहले बता देता हूँ कि जो भी फ्रेशर्स हैं जो अभी अभी इंडस्ट्रीज में जॉब करना स्टार्ट किए, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेशर्स हैं जो अभी अभी इंडस्ट्रीज़ में जॉब करना स्टार्ट किए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस, सपोज़ मान लीजिए आप स्टोर से जो है एक कॉन्ट्रैक्टर इशू करवा के लाए हुए हैं, तो उसमें आपको एक मैनुअल गाइड देखने को मिलता है, जिस मैनुअल गाइड में आपको उस कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि उस कॉन्ट्रैक्टर में कॉइल में कितना वोल्टेज देना है, आखिर उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी है, इंटरप्टेड करंट कितना है, आखिर इंटरप्टेड करंट क्या होता है, इन सभी का जो है ना एक शॉर्ट में आपको उसमें बताया जाता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर का मेंटेनेंस होता है, ऐसे बहुत सारे आपको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट्स बातें जानने को मिलता है उस मैनुअल गाइड से। और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन भी होते हैं जो कि आपको फॉलो करना रहता है उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए। और बाकी मैं अगर बात करूँ तो और भी जो है उस कॉन्ट्रैक्टर में कितने स्क्वायर एमएम का केबल लगने वाला है, लग कौन सा लगाना है यानी कि फ्लैट लग लगाना है या फिर रिंग लग, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ रहता है उस कॉन्ट्रैक्टर के मैनुअल्स में। तो गाइस, सपोज़ मान लीजिए कि आपने मैनुअल्स पढ़ा और आपने देख रहे हैं कि 2.5 स्क्वायर एमएम का जो है केबल लगने वाला है और आप जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के दूसरे जगह जा रहे हैं। दूसरा कोई अगर बोल रहा है कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्टर में 3 स्क्वायर एमएम का जो है कंडक्टर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, तो आप उस टाइम जो है बता सकते हैं कि नहीं, 3 स्क्वायर एमएम का अगर हम लोग करेंगे तो इस कॉन्ट्रैक्टर का जो लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, यानी कि क्योंकि 3 स्क्वायर एमएम का जो कंडक्टर होता है उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा ये जो कंडक्टर है इसमें जो है 2.5 स्क्वायर एमएम की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी उससे कम होता है। तो इस तरह से आप जो है सभी इक्विपमेंट्स के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है ना अपने अंदर बनाना स्टार्ट करेंगे, और आप जिस भी जगह में वर्क कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस भी जो है आपके पास बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। तो गैस, मैं अभी आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं भी लास्ट 1 ईयर से इस चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, और जो भी मेरे पास इक्विपमेंट्स आते हैं ना सबसे पहले मैं उसका जो है मैनुअल गाइड पढ़ता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर जो है काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो गैस, मेरी राय यही है कि अगर आप एक फ्रेशर हो तो सबसे पहले जिस भी इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे उसका जो है पूरा मैनुअल गाइड पढ़ना स्टार्ट करिए और उसके बाद काम करिए। तो आई होप गैस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे बताने का टेक्निक आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट्स हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।